बहुत दिन पहले उस टाइम में मैं वहाँ पे बेतिया बेतिया में हुई थी एक बार छेड़छाड़ हाँ। दो तीन लड़का ने छेड़छाड़ आज आपको किन्नरों के जिंदगी के बारे में बताएंगे और बात करेंगे देख सकते हैं हमारे साथ एक किन्नर है क्या नाम हुआ आपका कृति किन्नर कृति किन्नर है और किन्नरों की जिंदगी कैसे होती है उससे आपको रूबरू कराएंगे क्योंकि बहुत सारे लोग किन्नरों के साथ छेड़छाड़ भी करते हैं करते हैं ना हाँ जी करता है बहुत सब लोग छेड़छाड़ भी करते हैं रास्ता पे चलने में गलत गलत कमेंट भी करते हाँ। हैं हम हाँ, ये सब परेशानी थोड़ा झेलने पड़ते हैं देख सकते हैं एक किन्नर है कृति रानी इनका नाम है और इनसे खास बातचीत करेंगे कि क्या किन्नर का, का काम होता है बारे में बहुत सारा चीज़ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में आप लोग देखते रहिए बहुत बहुत स्वागत है आपका क्या कैसे आप किन्नर बन गई और कब से आप यहाँ पे हैं मैं तो यहाँ पे हूँ यहाँ पे नरकटियागंज में रहते हुए छः साल हो गए हाँ। हमें हाँ अच्छा किन्नर का काम क्या होता है वही दो रुपया चार रुपया भीख मांग कर हम लोग हाँ। खाते हैं ट्रेन में हम लोग तो ट्रेन मांगती हूँ गुरु हमारी बधाई करती हैं हाँ। तो वही ट्रेन में मांगती हूँ हम लोग और बस अच्छा इस समय डुप्लीकेट किन्नर भी बन रहे हैं क्या हाँ डुप्लीकेट भी बनता है कोई अपना वेशभूषा बदल के कमाते हैं खाते हैं ये सब अच्छा आप लोग ऑर्केस्ट्रा में भी नाच में जाती हैं पहले जाती थी प्रोग्राम वोग्राम करने हाँ। अब नहीं अब थोड़ा सा इस सब में थोड़ा मोटापा भी हाँ। थोड़ा आ गए हैं इसीलिए हाँ। प्रोग्राम करना छोड़ दी हाँ। और बस यही अपने समाज में आ गए अपने गुरु के पास आ गए हाँ। बस गुरु के पास ही कमाती हूँ खाती हूँ ट्रेन मांगती हूँ अच्छा आपके गुरु कौन होते हैं मेरे गुरु है छोटकी किन्नर जो बधाई करती है चनपटिया में रहती है मेरी किन्नर मेरे गुरु तो उसी उसी की चेला हूँ मैं तो हम लोग ट्रेन में मांगती हूँ लोग बधाई करती है तो बधाई में हम लोग नहीं जाती हूँ ट्रेन में ही जाती हूँ ट्रेन मांगती हूँ ट्रेन में ही खाती हूँ कमाती हूँ अच्छा गुरु को भी कुछ देना पड़ता है नहीं गुरु को नहीं देना पड़ता है कुछ मेरे गुरु बहुत अच्छी हैं और बस यही साल में जैसे दिवाली आ जाते हैं होली आ जाते हैं तो हम लोग अपने खुशी से उनको एक सौ रुपया या सारी मिठाई के डब्बा अपने खुशी से देती हूँ उसने ही वो लोग खुश रहती है कोई डिमांड वमांड कुछ नहीं करती है हमारे गुरु अच्छा आप लोग जब रोड पे निकलते हैं तो लोग किस नज़र से आप लोगों को देखते हैं इसके बारे में देखिए हम लोग तो जब रोड पर से निकलते हैं कोई प्रणाम भी करते हैं पैर छू के हाँ। या कोई गलत भी बोलते हैं तो कोई बुरी नज़र से तकते भी हैं बस यही लोग गलत गलत कमेंट करते रहते हैं कोई अच्छा भी बोलते हैं सब परेशानी झेल कर क्या करेंगे चलना पड़ता है रोड पर या कुछ अच्छा आपके माता पिता इस काम से खुश हैं क्या नहीं नहीं माता पिता खुश नहीं है हाँ। क्या कहना चाहेंगे अपने माता पिता के बारे में क्या कुछ हुआ थोड़ा सा अपने जीवनी के बारे में बताइए छोटे थी आप उस समय से बस छोटे थी तो हाँ। मेरे तो भाई कुछ है नहीं हाँ। तो कोई भी मम्मी पापा कोई भी चाहेंगे कि हाँ जिस घर में अकेले हैं वो सब काम धंधा ना करे नहीं। 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 तो वो लोग तो हमारे परेशानी नहीं समझते थे हैं कि हम किस रंग में किस रूप में ढले हुए हैं वो लोग चाहते थे कि बस कि हाँ अपना काम धंधा करें घर पे रहें ये सब जब जबी तो फिर मैं इस लाइन पे आ गई तो पापा हमसे बोलते-बोलते नहीं थे कम से कम दस साल दस बरस हो गए वो हमसे बोलते-बोलते नहीं थे तो मैं घर पे भी बहुत कम जाती थी जैसे कि दो साल एक साल ऐसे बाद बात बात या यहाँ पे रहती थी तो मतलब किसी किसी को मतलब अलग अलग जगह पे अपने रिश्तेदारों को बोला के, बुला के भेंट मुलाकात कर लेती थी, हाँ। थी सबसे तो कुछ दिन जैसे मैं मतलब ये सब पूरा मतलब अपने समाज में ढल गई तो थोड़ा घर पे भी परेशानी आ गए तो घर पे भी थोड़ा पैसा कर सब देने लगे मम्मी पापा को देखने लगे तो सब लोग अब अच्छे से मान जान सब लोग करते हैं घर पे जाती हूँ महीना दो महीना बाद तो अभी सब फिलहाल ठीक ठाक पे हैं अच्छा आपका घर कहाँ हुआ मेरे घर है सेमरा बाज़ार बगहा के पास अच्छा बगहा के पास हाँ अच्छा आप लोग किसी से ज़बरदस्ती भी करते हैं ज़बरदस्ती भी रुपया लेते हैं क्या बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं कि किन्नर लोग मारता पीटता है ज़बरदस्ती रुपया लेता है नहीं हम लोग तो ज़बरदस्ती नहीं करते हैं अब अब हर कोई एक इंसान नहीं ना है अब हाँ। किन्नर में भी कोई अच्छे होते हैं कोई बुरे होते, है, होते हैं कोई ख़राब होते हैं तो हर किसी का तो मन का बात बता नहीं सकते लेकिन हम लोग ज़बरदस्ती किसी से नहीं करते हैं हाँ। हम लोग जो ट्रेन मांगती हूँ जितना किन्नर कभी किसी से ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ अच्छा। बस प्यार से मांगती हूँ आप दो या ना दो कोई बात नहीं अपना खुशी है तो दस रुपये दो खुशिया पाँच रुपये दो बस उतना मैं खुश रहती हूँ दुआ से बत दे के चले जाती हूँ बस अच्छा देख सकते थे हमारे साथ किन्नर थी और ये लोग का दुआ बहुत फलता है क्या हाँ अच्छे मन से सही मन से दुआ देती हूँ हाँ। लोगों को अच्छे होते हैं उन लोगों का भी अच्छा और आप क्या करती हैं इसके अलावा इसके अलावा बस यही ट्रेन मांगती हूँ हाँ। और अपने रूम पर रहती हूँ और क्या करूँ अच्छा। बस घर द्वार में जाती हूँ थोड़ा घर में थोड़ा परेशानी है पापा का थोड़ा तबियत ख़राब चल रही है क्या करूँ अब लोग जन्म दिया है तो लोग का तो कर्म करना ही पड़ेंगे ना अब देख हूँ पापा को मम्मी को हर किसी को घर पे जाना आना लगे रहता है घर के लोग बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं आओ जाओ कोई दिक्कत नहीं तो जाती आती हूँ घर पे और ट्रेन मांगती हूँ और बस रूम पर पड़ी रहती हूँ अच्छा गांव के लोगों का क्या रिएक्शन रहता है गांव के लोग क्या बोलते हैं कुछ बोलते हैं आपको हाँ गांव के लोग जब गांव में जाती हूँ तो गांव के लोग बोलते हैं कि हाँ एक ही था मतलब एक ही वो थे तो वो भी किन्नर बन गया ये हावी जब भी फलना ढमकाना तो मैं बोलती हूँ हाँ मैं बन गई अपने आप बन गई भगवान ने मुझे जिस रूप से भेजा मैं उस रूप से कमा रही हूँ खा रही हूँ कोई चोरी तो नहीं कर रही कोई डकाती तो नहीं मार रही हूँ बस दो पैसा भीख मांग रही हूँ दो पैसा खा रही हूँ बस तब गांव लोग गांव के लोग भी कुछ नहीं बोलते हैं शुरू शुरू हाँ। में खूब बोलते थे गांव के लोग भी अब कुछ नहीं बोलते हैं क्या कहते थे उस समय यही सब कि हाँ नाच में रहते हैं तो ये हाबी जाबी दुनिया भर के यही हाँ। पापा चौक में जाते थे तो बोलते कि हाँ तुम्हारा लड़के को देखा हूँ कि हम वहाँ पे नाचने आए थे तो ये हाबी हाँ जाबी तो पापा हाँ। भी घर पर आके बहुत गाली गोलोज ये सब हाबी जाबी करते थे लेकिन अभी सभी लोग खुश है अभी खुश है सभी लोग अच्छा हाँ सब लोग अभी खुश है घर द्वार के लोग भी खुश है अभी हाँ, हाँ मैं भी खुश हूँ अच्छा कुछ लोग बोलते हैं बहुत सारे लोग बोलते हैं कि किनर करोड़पति होते हैं बहुत सारा रुपया होता है उनके पास इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे ऐसा कुछ नहीं हर कोई कुरलपति नहीं होते हैं जैसे कि कुरलपति वही होता है जो मतलब जैसे होता है भारी भारी किन्नर सब हो गए हम लोग तो आ, चेला नाती है आ, अभी हम लोग तो अभी मतलब अभी उस उम्र में है नहीं हम लोग तो कमाते हैं खाते हैं पहनते हैं घर पे भेजते हैं जहाँ मजबूरी होते हैं वहाँ पे देते हैं आ, ही, जो मेरे गुरु गोसाई है जिसका इलाका हो जाते हैं जैसे कि दस दस इलाका का मालिक हो जाते हैं उसका पास छः चेला नाती हो जाते हैं दस चेलानाती होते हैं तो उन लोगों के पास पैसा खोल रहते हैं वो लोग भी बेचारे सब मदद वदद करते हैं तो ही अच्छा अच्छा, अच्छा इसके पहले कभी आपके साथ भी छेड़छाड़ हुआ था क्या रास्ते में हाँ रास्ते में हुआ था छेड़छाड़ हाँ, बहुत बहुत दिन पहले उस टाइम में मैं वहाँ पर बेतिया बेतिया में हुई थी एक बार छेड़छाड़ दो तीन लड़का ने छेड़छाड़ किया था अच्छा हाँ तो अपने ग्रुप वालों ने आए तो बहुत हंगामा हुआ तो कब का बात है यही मतलब साल भर हो गए अच्छा साल भर पहले हाँ अच्छा वो कैसे ले रही है इस बात को कि आपके साथ छेड़छाड़ होता है तो फिर लड़के साथ क्या होगा तो मैं चाहती हूँ कि हाँ रास्ता पे चलने पे कोई छेड़छाड़ ना करे सब लोग अच्छे नज़र से देखे और कोई छेड़छाड़ ना करे हम लोग भी तो किन्नर है हम लोग भी तो ऊपर वालों ने बनाए हम लोग अपना कर्म कर रहे हैं खा रहे हैं किसी से तो ना ज़बरदस्ती कर रहे हैं ना हम लोग ना किसी चलते हुए इंसान को छेड़ते हैं बस चाहती हूँ हाँ कोई ना छेड़े हम लोगों को कोई परेशानी ना करे कोई गलत नज़र से ना देखे बस यही चाहती हूँ देख सकते हैं किन्नर को जब कोई नहीं छोड़ता है तो फिर आम लड़की या लड़का या इंसान को कैसे छोड़ेगा ये बिहार है और बिहार में सुशासन की सरकार है फिर भी अगर सरकार से मांग करना चाहेंगे क्या आप लोगों का जॉब करने का मन नहीं करता है करते हैं जॉब करने का मन करते हाँ। हैं उसमें जिसमें पढ़े लिखे हुए हैं अच्छा आप कितना तक पढ़ेंगे हम तो नहीं पढ़े लिखे हैं ना हम सरकार से मांग करेंगे कि इनको भी नौकरी दिया जाए और इनको भी एक प्लेटफार्म तैयार किया जाए क्या हाँ कुछ मतलब हम लोगों के लिए भी कुछ कीजिए हाँ. कि हाँ कोई परेशानी ना करे भीख ना मांगना पड़े अच्छे से हम लोगों के लिए भी कोई व्यवस्था करे कि हाँ कोई हम लोग को मतलब जैसे कि कोई हम लोगों को छेड़े या कुछ भी करे हम लोग भी मतलब थाना में केस करने जाए हाँ. तो उसका भी केस हो जाए कुछ भी हम लोग का तो कोई सुनवाई होते नहीं है बस जो छेड़ के चले जाते हैं जो हम लोग कुछ बोल नहीं पाते क्योंकि किन्नर हूँ तो इसलिए बर्दाश्त करके रह जाते हूँ क्या करूँ हम लोग लड़का सब छेड़ते हैं ये सब गलत हाँ। गलत कमेंट वगैरह ये सब करते हैं अच्छा पुलिस प्रशासन किस नज़रिए से देखते हैं आप लोगों को वो लोग किस नज़र से वो लोग बोलते हैं कि हाँ इन लोगों का मुंह कौन लगेंगे तो ये मतलब वो लोग थोड़ा सा मतलब लेट फिट से हम लोग का बात थोड़ा सुनता है वो लोग जल्दी नहीं सुनते जल्दी नहीं सुनते हैं वो भी कब सुनेंगे जब हम लोग ग्रुप बान्न के जाएंगे थाना पे तभी तो वो लोग मतलब पैर से बोलेंगे तो नहीं सुनेंगे जब तक हंगामा ये सब हम लोग भी मजबूरी से पिन करते हैं हंगामा अच्छा। हम लोग को फिर गुस्सा आ जाता है कि हाँ हम लोग को जो छेड़ता है उसके बारे में आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हो भी ऐसा ऐसा तब लोग हम लोग भी फिर गुस्सा से थाना पे सब लोग जाते हैं तो हम लोग भी अपना मतलब जो होता है वो हम लोग भी करते हैं तब जाके वो लोग सुनते हैं देख सकते हैं ये किन्नर भी आम इंसान है और इनके साथ कोई छेड़छाड़ करता है ये लोग पुलिस प्रशासन में जाते हैं तो इनका बात भी नहीं सुना जाता है ये कहाँ का न्याय है और इस बिहार में इन किन्नरों को एक स्थान मिलना चाहिए और इनको भी देख रेख करना चाहिए क्योंकि ये सुशासन की सरकार है और इसमें बहुत सारा आरोप लगता है सरकार पर कि ये सुरक्षित नहीं है तो फिर क्या होगा इस देश में तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए